हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ऋतु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूं वो है लीवर प्रॉब्लम्स। तो मैं आज आपसे लीवर प्रॉब्लम्स, लीवर कंप्लेंट्स क्या क्या होती हैं, उसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं और क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बताती हूँ। तो इसके साथ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि लीवर के फंक्शंस होते क्या हैं, तो जो डिस्टर्ब होते हैं। तो लीवर फंक्शंस जो है, स्पेशली लीवर एक अपने बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, बहुत मेन फंक्शन होते हैं इसके, स्पेशली आपके राइट साइड में एब्डोमेन में होता है। और लीवर फंक्शंस जो होते हैं स्पेशली जो है ये मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके ब्लड प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। आपका जो ब्लड होता है स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी ब्लड वहाँ से क्रॉस करता है उसको वो फिल्टर करता है। और साथ ही साथ आपके बॉडी में जो भी आप खाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड्स, इनको डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन को एक जूस है, आपका लीवर जूस बोलते हैं इसको, और वो डाइजेस्ट जो है फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसमें जो होती है इसमें स्टोरेज भी होता है ग्लूकोज का, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। आप जो भी केमिकल्स खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं आपके लीवर के। अगर इसमें लीवर में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो पहले मैं सिम्टम्स से बात करूंगी, फिर आखिरी में आपको स्पेशली इसके डिजीजेस के नेम बताऊंगी, कौन कौन सी डिजीजेस होती है स्पेशली लीवर डिजीजेस। तो फंक्शन डिस्टर्ब जब भी होते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे कि फैट मेटाबॉलिज्म करता है, तो फैट मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपका फैट जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर के चांसेस हो सकते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज भी मिल सकती हैं। और जो फंक्शंस जो दिखाई देते हैं वो सबसे पहले दिखाई देता है इसमें नौशिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, भूख नहीं लगना, पेन होना राइट साइड में स्पेशली एब्डोमेन में, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इवन हेमोराइड स्पाइल्स भी इसकी वजह से हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे फेज दिखे जाते हैं और कई जगह पे फीवर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आपको स्पेशली फेज जो है येलोइश कलर की अगर आपकी स्किन हो रही है, आपके आईज हो रही हैं, आपके नेल्स हो रहे हैं येलो कलर में, तो वहाँ पर भी मान सकते हैं ये कोई ना कोई लीवर डिजीज़ के फंक्शंस हो सकते हैं। तो लीवर डिजीजेज जो है जनरली डिस्टर्बेंस, इतनी सारी चीज़ें आपको बॉडी में मिल जाती हैं। और जब आपकी बॉडी में बोला जाता है कि टॉक्सिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता है आपका लीवर, तो वहाँ पर आपका बॉडी में टॉक्सिन्स भी अगर बढ़ रहे हैं, आपको ड्रग्स के, केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपका लीवर जो है सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उस टाइप के सिम्टम्स मिलते हैं। अब मैं डिजीज़ पे बात करूँ कि इनके नेम क्या हैं, डिजीज़ के अलग अलग नेम से बोला जाता है कि आपको लीवर की ये प्रॉब्लम है, आपको लीवर की ये प्रॉब्लम है। कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो एक्यूट कंडीशन होती हैं, कुछ होती हैं जो क्रॉनिक हो जाती हैं। क्रॉनिक कंडीशंस जो होती हैं वहाँ पर आपको वापस से रीजनरेट करना प्रॉब्लम कर जाती है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होती है, बट जो एक्यूट कंडीशंस होती है वो रिवर्सिबल होती है, जो कि ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले छोटे जो एक सिम्टम्स के रूप में आता है वो है जॉइंटिस, जॉइंटिस जिसको पीलिया भी बोला जाता है, ये लीवर डिजीज़ में सबसे पहला सिम्टम होता है। मतलब कोई भी क्रॉनिक कंडीशन होगी वहाँ पर साथ में आपको जॉइंटिस मिलेगा ही मिलेगा, तो क्योंकि इसमें येलोइश कलर का आपकी पूरी बॉडी हो जाती है ज़्यादातर देखा जाए तो। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है ये भी एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है, जहाँ पर फैट जो है डिपॉजिट होने लग जाता है आपके लीवर में आके, तो वहाँ पर फैटी लीवर बोला जाता है, जिसके कारण कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो डिजीज़ होती है वो है एक वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में स्पेशली आपको हेपेटाइटिस देखा जाता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। जनरली ये वायरल डिजीज़ है, वायरल के अटैक होने की वजह से लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पर फीवर देखा जाता है, और ये 2 to 6 months तक भी कंटिन्यू जो है डिजीज़ कंडीशन रह सकती है। तो इसके कारण आपको जो है स्पेशली लीवर डिजीज़ ये देखी जाती है। और भी कई सारी डिजीज़ हैं, जैसे कि आपको लीवर में आप पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और आपकी क्रॉनिक कंडीशन में जा रही है चीज़ें, और आपको बहुत सारे चीज़ें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्रॉनिक कंडीशन जब होती है, जब कोई इंजरी हो रही है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं आपके लीवर सेल्स, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो, तो अगर लीवर सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और डैमेजिंग होने की वजह वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो एक स्कार टिश्यू में चेंज होते जा रहे हैं, मतलब डैमेजिंग, कभी भी कोई भी इंजरी होती है
अगर वो लाइट होती है, सुपरफिशियल होती है, तो क्या होता है आपकी वैसी सेल्स आ जाते हैं. बट अगर वो कंडीशन डैमेज ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एक स्कार टिश्यूज़ बनने लग जाते हैं उसकी जगह पर, जो कि वहाँ पर फंक्शंस नहीं आपके उस तरीके से करते जैसे नॉर्मल टिश्यूज़ करते हैं. तो वैसे ही लीवर में भी ऐसे चेंजेस आ जाते हैं डैमेजिंग की वजह से, जिसको कि बोला जाता है सिरोसिस ऑफ लीवर. तो सिरोसिस ऑफ लीवर जो है, जहाँ पर लीवर टिश्यूज जो है चेंज हो जाते हैं स्कार टिश्यूज में, जिसकी वजह से ये नॉन रिवर्सिबल भी हो जाती है, मतलब कि आपके लीवर फेलियर की कंडीशन में भी जा सकता है इसकी वजह से. तो वहाँ तक आप ना पहुँचे इसलिए स्टार्टिंग में ही डायग्नोसिस कराएं, और डायग्नोसिस करा के इस डिजीज़ को ठीक करें तो रिवर्सिबल होती हैं और जहाँ पर चेंजेस देखे जा सकते हैं. और होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इसका रोल होता है. एक डिजीज़ जो होती है स्पेशली हीमोक्रोमेटोसिस, तो यहाँ पर जो है स्पेशली आपका जब बॉडी में आयरन बढ़ता है, तो आयरन बढ़ने की वजह से वहाँ पर चेंजेस देखे जाते हैं कई सारे, जो कि यहाँ पर भी नॉन रिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है, और यहाँ पर फटीग और आपको फीवर और कई सारी कंडीशंस भी दिखाई दे जाती हैं. तो इस पे जो है आपको ये भी नॉन रिवर्सिबल समटाइम्स हो जाती है, तो इसको भी जानना ज़रूरी होता है, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप में क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है सिम्टम्स, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताए हुए हैं कि जनरली सिम्टम्स दिखाई देते हैं. तो वहाँ पर आप पहले जो भी सिम्टम्स है, ज़रूरी नहीं कि आपके लीवर फंक्शन से ही रिलेटेड हो, डाइजेस्टिव अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट लीवर से रिलेटेड तो नहीं है, उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं. डायग्नोसिस के लिए स्पेशली आपको लीवर फंक्शन टेस्ट LFT होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल्स होते हैं, और साथ ही साथ सोनोग्राफी USG ऑफ लीवर. तो अगर आप एब्डोमेन की USG सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें भी आपको चेंजेस दिखाई दे जाते हैं. और चलिए अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस पे. तो होम्योपैथिक मेडिसिंस पे अगर इस पर बात करें अपने लीवर फंक्शन के लिए, तो सबसे ज़्यादा मेन जरूर फंक्शन जो मेडिसिन होती है, जो सबसे ज़्यादा एक्ट करती है आपके एक्यूट कंडीशन में, बोल सकते हैं एक्यूट कोई भी कंडीशन डिस्टर्ब हो रही है आपको, जहाँ पर जॉइंटिस भी हो, चाहे वहाँ पर फैटी लीवर भी हो इवन, तो वहाँ पर जो है चिलीडोनियम मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है. चिलीडोनियम मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है आपके लीवर के लिए, तो उसको मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और थर्टीपोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है. तो मदर टिंचर्स फॉर्म में जैसे कि 15 बूंद आधे का पानी में डाल के दिन में 3-4 टाइम्स लिया जाता है. और भी मेडिसिन है जैसे कि आपको ब्रायोनिया मेडिसिन, कंपेयर करके मैं बताती हूँ. स्पेशली जब लीवर डिजीज़ जहाँ पर क्रॉनिक होने लग जाती है, आपको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल पेन में बिल्कुल भी आपसे हिला डुला नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा पेन आपके लीवर में बढ़ गया किसी भी डिजीज कंडीशन में हो, वहाँ पर ब्रायोनिया बहुत इफेक्टिव होती है आपके लीवर के लिए. और जो है अगर यहाँ पर ये डिफरेंस देखा जाता है चिलीडोनियम से, कि चिलीडोनियम में कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट क्ले और येलोइश स्टूल देखा जाता है चिलीडोनियम मेडिसिन देने के टाइम पे. अगर वही स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा कलर डार्क ब्लैक ब्राउनिश हो जा रहा है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिविटी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बिल्कुल भी बताया जैसे कि पेन में बिल्कुल भी हिला डुला नहीं जाता है इस तरीके से है, बिल्कुल टच नहीं किया जा सकता है आपको पार्ट को, तो वहाँ पर ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हो जाती है. और ब्रायोनिया को 30-200 में जनरली यूज़ किया जाता है, क्रॉनिक कंडीशन होती है तो मदर टिंचर्स भी यूज़ किए जाते हैं. देन इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम भी एक लीवर के लिए एक क्रॉनिक मेडिसिन हो जाती है, जहाँ पर आपको क्रॉनिक कंडीशंस आ रही हैं. तो यहाँ पर भी अगर चिलीडोनियम से डिफरेंस देखा जाए, तो चिलीडोनियम के साथ साथ जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इरिटेशंस आ रही हैं आपको, बहुत ज़्यादा जो है आपको खट्टी डकारें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि चिलीडोनियम में अगर आपका टेस्ट का माउथ का जो टेस्ट होता है वो बिटर हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो वहाँ पर आपको चिलीडोनियम देना है. अगर आपको खट्टे पानी जैसे डकारें आ रही हैं, खट्टा पानी हर सब टाइम पे आ रहा है, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो इस टाइप के गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम इफेक्टिव हो जाती है. तो लाइकोपोडियम को यहाँ पर देना चाहिए जनरली, इसको भी 30 पोटेंसी में ही और 200 पोटेंसी मीडियम पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है इस मेडिसिन को. क्रॉनिक कंडीशन है आपको उस दिन दीजिए, स्टार्टिंग में आप करिए और वन टाइम ही दीजिए, दिन में इफेक्टिव होता है. तो चलिए आज मैंने कई सारी जानकारियाँ दी लीवर प्रॉब्लम्स पे और लीवर के फंक्शंस पे और साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन पे. तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मुझे लाइक करके शेयर करके मेरे वीडियो को,
और साथ ही साथ जो है आपको इस पे और भी जानकारी मिलती रहेगी, और जो पर्टिकुलर लीवर डिजीजेज होती हैं उन पे भी मैं अलग अलग जो है वीडियोस बनाने की को जरूर नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि फैटी लीवर पे आपका हो गया, सिरोसिस पे हो गया, हेपेटाइटिस पे हो गया, तो इन पे भी अलग से मैं वीडियो ज़रूर आपको जल्द ही मिल जाएंगे। और ये वीडियो पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपको भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, जानना चाहते हैं और कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।